स्वाभाविक है, क्रांतिकारी कभी कभी मरने मरने की बात करते हैं। टेढ़ा खीर खीर टेढ़ा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार विधानसभा को जलाने का मतलब है उस विचारधारा को जलाना है, उस सिस्टम को जलाना है, उस सिस्टम को नेशनाबूद करना है जो हमारे लिए मौत का फरमान लिख रही है। तो बिल्कुल अगर उनके अगर हिसाब से लग रहा है कि अगर ये गलत है तो हम फांसी के लिए तैयार हैं, तो हम लोग एक बहुत बड़ा विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम या तो हम लोग भी मिटेंगे और सामने वाले भी मिटेंगे। बंगाल में बंगाली मास्टर बनता है, बिहार में बिहारी मास्टर बनता है, तो फिर झारखंडी सबका ठीका क्यों ले। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है छात्र नेता जयराम महतो। वैसे तो अपने भाषण को लेकर आए दिन की चर्चाएं होती रहती है, लेकिन अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो इन्होंने कुछ विवादित बयान दिया था। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले दिनों आप लगातार छात्रों के समर्थन में तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी आप अपना आपा भी खो देते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहला बात, हम भी बैचलर हैं, यंग एंग्री हैं, स्वाभाविक है, क्रांतिकारी कभी कभी मरने मरने की बात करते हैं, लेकिन क्या मैटर क्या है थोड़ा आप रिपीट करेंगे तो हम लॉजिकली उत्तर दे सकते हैं। पिछले दिनों आपने एक बयान दिया था जिसमें आपने साफ तौर पर कहा था कि विधानसभा को जला दिया जाए, तो इसे लेकर कहीं ना कहीं गलत संदेश छात्रों में जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस बयान? देखिए, मैं अभी भी अपने बयान का बचाव करूँगा। जिस प्रकार होता है टेढ़ा खीर आँख का तारा, तो आँख में तारा नहीं होता है, टेढ़ा खीर खीर टेढ़ा नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार विधानसभा को जलाने का मतलब है उस विचारधारा को जलाना है, उस सिस्टम को जलाना है, उस सिस्टम को नेशनाबूद करना है जो हमारे लिए मौत का फरमान लिख रही है। जलाना यानी माचिस और तिल्ली से नहीं, उस सोच को जलाना, उस सोच को मिटाना है जो झारखंड के हित में काम नहीं कर रही है। चाहे आप जो भी बहाली लें, आप जितना भी नियम गवर्नमेंट अभी लेके आ रही है, गवर्नमेंट नियम लेके आ रही है बिना खतियान का रजिस्ट्री होगा, यानी माने जो भी जमीन दलाल है वो हमारे जमीनों को आसानी से हड़प लेंगे, बिना खतियान का जाति आवासीय बनेगा। अब तो एक स्टेटमेंट आया है, एक पेपर कटिंग पढ़ रहे हैं कि पीएचडी धारक जो लोग प्रोफेसर बनते हैं उनका शर्त क्या है कि उन्हें उस विद्यालय से पीएचडी करना होगा जिनको नैक ने ए प्लस और ए डबल प्लस का मान्यता दिया है, लेकिन झारखंड में एक भी नहीं है। यानी झारखंड के लोग भूसा और घास खाने वाले लोग हैं। तो उस हिसाब से मैंने कोई गलत नहीं कहा है, उस विचारधारा को नष्ट करने का समय है। बिल्कुल, आपने अपना जो पक्ष रखा बिल्कुल सही था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसे गलत तरीके से भी कुछ छात्र ले सकते हैं एग्रेसिव होकर? देखिए, तो इसका समाधान सरकार के पास है। यदि सरकार को लगता है कि मैंने जो शब्द कहा है ये मरने नहीं मरने का समय है और ये गलत शब्द है, तो बिल्कुल अगर उनके अगर हिसाब से लग रहा है कि अगर ये गलत है तो हम फांसी के लिए तैयार हैं। लेकिन जो भी पेंडिंग पड़ा है वो पेंडिंग को आप क्लियर कीजिए, जो झारखंड के लिए गलत फरमान आ रहे हैं उसको आप रद्द कीजिए। हम अपने सजा से नहीं डरते हैं, लेकिन मेरी लड़ाई जेन्युइन है। आप यहाँ टीचर बहाली में आप पूरे भारत के नागरिकों का न्योता दे रहे हैं, यह गलत है। बंगाल में बंगाली मास्टर बनता है, बिहार में बिहारी मास्टर बनता है, तो झारखंडी सबका ठीका क्यों ले। हम अपनी जगह सही हैं, और बिल्कुल अगर जरूरत पड़े तो हम लोग एक बहुत बड़ा विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम या तो हम लोग भी मिटेंगे और सामने वाले भी मिटेंगे। लड़ाई जो आर पार की होगी ये हमने भी बहुत दिनों से देखा, डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा था। आज हम संविधान की बात करते हैं, सब लोग कहते हैं भारत संवैधानिक देश है, तो जो लोग संविधान बना के दिए हैं उन्होंने स्वयं कहा था कि संविधान लचीला है, संविधान अच्छा भी है, संविधान बुरा भी है, चलाने वाले पर निर्भर करेगा। तो स्पष्ट है बुरे लोगों के हाथों में संविधान है, हम लोग कहीं गलत नहीं है। अगर स्टूडेंट अगर उग्र भी होते हैं तो इसके लिए दोषी गवर्नमेंट है। झारखंड की अगर हम बात करें तो जेपीएससी का जो मामला है, फिर जेई का, तो धांधली की बात सामने हमेशा आती, जो भी परीक्षा हो ऐसी हमेशा समस्या होती है, तो बाद में जो बच्चों के द्वारा इसे लेकर प्रोटेस्ट किया जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप लोगों की ओर से पहले ही इसे लेकर कुछ रणनीति तैयार की जाए, तो ऐसी कोई रणनीति है कि आने वाले दिनों में झारखंड के जो छात्र हैं, जो अभी मौजूदा छात्र जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, आने वाले समय में भविष्य में ऐसी स्थिति ना देखने को मिले उन छात्रों को? जी बिल्कुल, हम लोग भी तो वही चाह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या अन्य बहालियां हो जो झारखंड स्तर की हैं, उनमें इस प्रकार की धांधली ना हो। उसी के लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि नियोजन नीति को तय कीजिए कि झारखंड की नियोजन नीति क्या होगी, लेकिन आज तक झारखंड की नियोजन नीति तय नहीं हो पाई है। राज्यपाल महोदय अपने लेटर हेड में खुद लिख के देते हैं कि 75% नौकरियाँ नियोजन जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर में भी स्थानीय को जाएगा, स्थानीय नीति तय नहीं है। तो सबसे पहले स्थानीय नीति तय हो, उसके आधार पर नियोजन नीति तय हो, तो जिस दिन ये नीतियाँ बनेंगी निश्चय ही इस तरह की जो घपलाबाजी धोखेदारी होती है वो उन पर अंकुश लगेगा। लेकिन जब तक नीति नहीं बनती है ये स्वतः चलता रहेगा, और जो हुक्मरान है उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई वास्ता नहीं है। उन्हें आज अभी बात अगर हम करें होमगार्ड की, मेरे कुछ साथी हैं जो शायद मरवाड़ी परिवार से हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग को कोई पैसा भी दे तो हम लोग बहाली को हम लोग होमगार्ड बनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग मर रहे हैं, होमगार्ड बनने के लिए मर रहे हैं। यानी आपको समझना है क्या स्थिति है इस परिवार की आज। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ ही हैं, उन्होंने स्पष्ट हम लोग बात हो रहा तो बोला कि अगर हम लोग कोई 10 लाख रुपया दे और बोले कि होमगार्ड पुलिस बनना है, नहीं बनेंगे। लेकिन हम लोग जो है ग्रामीण लोग जो किसान के बेटे हैं, एक मामूली होमगार्ड का नौकरी पाने के लिए, हालांकि हम मामूली कह रहे हैं शब्द, लेकिन थोड़ा सा मन कहना चाहेंगे, ये लोग मर रहे हैं क्यों, परिवार की स्थिति।
आज परिवार की स्थिति ऐसी है, तो इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आप इनके लिए क्या कर रहे हैं। जो 70% आबादी है जो आज मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में आती है, उसके लिए क्या कर रहे हैं। पूंजीपति वर्ग ऊपर वर्ग तो स्पष्ट कहता है कि हमको इस तरह नौकरियों की आवश्यकता ही नहीं है, वो इतने संपन्न है, हजारों सालों से कहें चाहे 500 सालों से कहें, लेकिन ये किसान कामगार वर्ग कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मेरा जो भी बयान रहता है भले आवेश में आते हैं, लेकिन मेरा बयान कोई गलत पृष्ठभूमि सरकार ने तैयार किया है। हम लोग को शौक नहीं, हम लोग भी PhD करने वाले छात्र हैं, हम लोग को भी अच्छा नॉलेज है। और फिलहाल तो जितना गवर्नमेंट में बैठे हैं दो चार को छोड़ के अच्छा नॉलेज, विधायक से भी जो लोग बैठे हैं उनसे भी अच्छा नॉलेज रखते हैं हम लोग। बोलने का कारण यही है कि आप लोग उस ऐसा हमको बैकग्राउंड दे रहे हैं। अगर आप लोग ठीक तरीके से इस मसले को हल करेंगे तो हम लोग अपना लगता है कि किसकी गलती है जिस वजह से आज जो है झारखंड के जितने छात्र हैं उनका भविष्य अधर में लटका। देखिए, इसमें एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। यहाँ जो हमारे राज्य के अधिकारी हैं वे भी दोषी हैं, जो राज्य के हमारे विधायिका में चुन के गए हैं वे भी दोषी हैं, और जो अन्य राज्यों के लोग यहाँ आकर बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं वे लोग भी दोषी हैं, क्योंकि वे लोग कतई नहीं चाहेंगे कि इस राज्य के युवा वे उत्थान करें, वे आगे आए। तो लेकिन हम उनको दरकिनार करते हुए, क्योंकि नियम विधि बनाने का काम विधायिका का होता है और विधायिका हमारी है, हम उनको सबसे पहले दोषी ठहराएंगे जो हमारे इस आश्वासन से वोट लेकर जाते हैं कि पहला काम किसानों का होगा, दूसरा जवानों का होगा, नौकरियों की बात करेंगे। तो जवान तो अधड़ में है, आपका सड़कों पर है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, एग्जाम के बाद आंदोलन कर रहे हैं, एग्जाम से पहले आंदोलन कर रहे हैं, आखिर ये कैसा राज्य है। क्या लगता है कि आने वाले समय में इस चीज़ से झारखंड को निजात मिलेगा या फिर स्थिति जस की तस बनी रहेगी। देखिए, निजात मिलेगा, लेकिन अगर आप कहेंगे दिल्ली के तर्ज पे तो आसान नहीं है। दिल्ली एक शिक्षित इलाका है, दिल्ली एक शिक्षित क्षेत्र है, लेकिन झारखंड थोड़ा सा अशिक्षित है और यहाँ थोड़ा सा लोग माने बटे बटे हैं। तो उस लिहाज से समय आएगा, लेकिन फाइनली जब लोगों को आभास होगा कि भाई इस दुख का सामना मुझे भी करना पड़ रहा है, तो फाइनली झारखंड में भी एक बदलाव आएगा और इसे निजात मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता जयराम महतो, जिन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था जो लेकर काफ़ी चर्चा में आया था, काफ़ी विवादों में वो बयान था, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर अपने उस बयान का पक्ष रखा और कहा कि आक्रोशित होकर कभी उग्र होकर इन्होंने ऐसी बातें जरूर कही, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था। इन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि आने वाले समय में इन लोगों के द्वारा रणनीति बनाई जाएगी ताकि जो झारखंड के जो छात्र की जो मौजूदा स्थिति है, ऐसी स्थिति आने वाले समय में छात्रों को ना झेलनी पड़े। अब देखते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा इन पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, और आज जो झारखंड की स्थिति है, जो छात्रों की स्थिति है, कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति जो भविष्य में जो छात्र होने वाले उन्हें देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शाम्भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।